हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों के साथ मैं कुछ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो व्हाट, सो मीट माय मैंगो। सो दिस इज ए सल्फर कॉकाटू फीमेल। तो ये पूरा टेम है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं पूरा टेम है। तो मेरे घर में बहुत सालों से रहता है। तो चलिए मैं टॉपिक में आता हूँ। तो आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, मेरा टैंक में जो गोल्डफिश है, वो गोल्डफिश में अंडा ले किया था कुछ साल पहले। तो मैंने जो फोटोज एंड वीडियोज कलेक्ट किया था, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो का पूरा शुरू से एंडिंग तक देखिए। मैं आप लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ, तो क्योंकि वो मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहला चीज ये ध्यान रखना है, आपको गोल्डफिश कौन सा मेल्स एंड कौन सा फीमेल्स है। मेल्स एंड फीमेल्स के फोटोज भी देता हूँ, आप लोग देखिए। कहाँ जा रहे हो तुम? आ जाओ वापस, आ जाओ। तो देखिए, तो पहला चीज आपको गोल्डफिश का मेल्स एंड फीमेल्स जानना होगा। तो उसके बाद मेरा टैंक में जस्ट नॉर्मली नेचुरली ब्रीड कर दिया था मेरा गोल्डफिश। तो एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था उस टाइम पे मेरा गोल्डफिश ब्रीड करेगा, क्योंकि इसके बारे में मेरा कुछ नॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे। तो आप लोग टैंक में जो गोल्डफिश है, गोल्डफिश में मेल फीमेल एक साथ भाग रहे हैं, आप लोग को देख के सब पता चलना होगा। तो ये ब्रीडिंग में आ गया है, ब्रीडिंग टाइम में है इन लोगों ने। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हुए गोल्डफिश के साथ साथ बहुत कुछ फिशेज भी रखते हैं टैंक पे। पहले चीज आपको ये करना है, आपका टैंक से फटाफट से दूसरा जो फिश रहता है उसको निकल लीजिए, क्योंकि गोल्डफिश जब अंडा ले करेगा, अंडा ले करने के बाद वो दूसरा फिश वो डैमेज भी कर सकता है, उसका अंडा खराब कर देता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आप लोग फटाफट से वो फिश निकल के बाहर दीजिए। गोल्डफिश का जो फीमेल है, फीमेल के पीछे में मेल तो ऑल टाइम भागता है। तो भागता तभी है जब वो फिश अंडा ले करेगा, तब भी वो फीमेल का पीछा दो तीन मेल्स भागता है। तो उस टाइम पे जब अंडा ले करेगा, तो आप लोग देखिए आपका टैंक में थोड़ा पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेल्स गोल्डफिश जो होता है वो थोड़ा सा स्पर्म छोड़ता है फीमेल्स को। प्लीज उस पानी को मत चेंज कीजिए। अगर आपका टैंक में पावर फिल्टर, टॉप फिल्टर जो होता है, उन लोग उसको बंद रखिए, ठीक है? तो नॉर्मली जो एयर बबल्स होता है उसको ऑन कीजिए 24 आवर्स के लिए, तो वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। तो आपको टैंक में जब अंडा ले करेगा, तो आपको वाटर चेंज नहीं करना है। आपका टैंक में हीटर है तो हीटर को मत चलाइए, हीटर जैसा है वैसे ही रख दीजिए। हीटर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली रख दीजिए टैंक को। और मिनिमम 1 वीक की 2 वीक्स के आसपास ये टाइम लेता है फर्टिलाइज के लिए। तो तब जाके अंदर से थोड़ा थोड़ा छोटा साइज का इसका बेबीज आके आपका टैंक में जो कांच होता है, कांच के बीच में चिपक जाता है। तो आप लोग वीडियो में देखिए, तो आप लोग फोटो में देखिए, तो यहाँ पे टैंक के जो कांच है, कांच में चिपक गया है। तो ये लगभग 1 दिन की 2 दिन के आसपास ये ऐसे ही रख जाता है। उसके बाद ये स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको थोड़ा सा खाना देना है इन लोगों को। तो खाना में क्या देगा आप लोग, जो एग होता है, ठीक है, वो एग को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद वो उसका व्हाइट जो प्रोटीन बोलता है उसका व्हाइट साइड को साइड में रखिए। योग को लीजिए, योग को लेके थोड़ा सा 100% में 1% लेके उसको पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद तब जाके आपको टैंक में वो खाना दीजिए। बेबीज जो होते हैं, वो बेबीज वहाँ पे आके वो सब छोटा जो योग का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो उन लोगों ने उसको खाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट फीड के लिए यही सबसे अच्छा एंड सबसे बेस्ट क्वालिटी फूड है। तो बहुत कुछ ब्रीडर में बताया था मेरे को, तो आप ये फूड डाल सकते हो, वो फूड डाल सकते हो, आप ये फूड दीजिए, ठीक है? उसमें कुछ भी नहीं होगा। जब भी कुछ न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं टैंक में, योग दीजिए,
उसको थोड़ा सा पानी से मिक्स करना है एंड थोड़ा सा गूढ़ा करके तो पाउडर जैसा है उसका उस तरीके से करके आप पानी में मिक्स कर सकते हो। और जब आपका टैंक में गोल्ड फिश अंडा ले करेगा तो लगभग 150 से 200 के आसपास अंडा ले होगा, तो उसमें से लगभग 50 से लेकर 80 तक अंडा फर्टिलाइज होगा। तो आपको कुछ कुछ अंडा को आप देखिए तो पूरा व्हाइट जैसा हो गया है, तो आप लोगों को सोचना होगा तो वो अंडा नहीं फर्टिलाइज होगा, वो अंडा से नहीं बेबीज निकलने का, क्योंकि वो अंडा पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो आप उठने के बाहर करने का कोशिश मत कीजिए, जैसे है वैसे ही रखिए। तो जब अंडा हैचिंग हो जाएगा उस टाइम पे भी आप डेली बॉइल्ड एग दे सकते हो, क्योंकि उन फिशेस को भी बहुत ही अच्छा खाना है बेबी फिश को। जब आप देखोगे आपका फिशेस को जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तब जाके आपको थोड़ा सा खाना चेंज करना होगा। तो खाना चेंज करने में अब जब ड्राई फूड दोगे तो ड्राई फूड को थोड़ा सा गुड़ा पाउडर कर लेना होगा, तो क्योंकि बेबी फिशेस को उन लोगों का मुंह बहुत ही छोटा होता है, तो इसके कारण से वजह से वो बड़ा साइज का खाना नहीं खा सकते है। तो इसलिए आपको थोड़ा ड्राई फूड को गुड़ा करके थोड़ा पाउडर जैसा करके देना होगा, नहीं तो ब्लड ऑन जो मिलता है फिश शॉप में आप जाके बात कीजिए उन लोगों के साथ, उन लोगों का आपको बता देगा। आपका टैंक का साइज जितना बड़ा होगा तो आपका गोल्ड फिश उतना जल्दी से जल्दी इंक्रीज होगा उन लोगों का, क्योंकि गोल्ड फिश बहुत टाइम लेता है साइज इंक्रीज करने में। तो आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपका गोल्ड फिश थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब जाके वाटर चेंज कीजिए, लेकिन पावर फिल्टर एंड टॉप फिल्टर ऑलवेज बंद रखिए, क्योंकि इससे गोल्ड फिश का बेबी जो होते हैं वो भी मर जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोलना चाहता हूँ तो नॉर्मल जस्ट वाटर बबल्स वाटर फिल्टरेशन के लिए जो साइड में स्पॉन्ज फिल्टर होता है वो भी रखिए बस, और कुछ भी नहीं रखना चाहिए आपको टैंक पे। लगभग इस फिश को साइज में इंक्रीज होना है प्रॉपर तरीके से लगभग 6 से 8 महीने के आसपास लग जाएगा, इतना टाइम लेता है गोल्ड फिश। तो आपको गोल्ड फिश ब्रीड करना है तो प्रिपरेशन होके तो आप इसको रख सकते हो टैंक में। अगर मेरा वीडियो तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज गाइस मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।